हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी स्कूल से टीचरों की भर्ती आई है। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल से थ्रू आउट पूरे साल ना कहीं वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, सीएसवी का जो इसका एग्ज़ाम है, वेट ए मिनट, मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, सीएसवी का जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल स्क्रीनिंग बोर्ड, जो कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, AWES, तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो सीएसवी एग्ज़ाम कार्ड होल्डर होते हैं ना, वो जो है सीएसवी वाले इंटरव्यू को भी कंडक्ट कर सकते हैं और एलएसबी वाले को भी। मैं आपको ना थोड़ा सा एक मिनट का समय लूंगा आपको और आपको चीज़ें बता देता हूँ। एलएसबी में सैलरी कम मिलती है और यहाँ पे जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है एग्जामिनेशन वगैरह या फिर आपका जो इवोल्यूशन है वो कम वे में होता है, लेकिन सीएसबी के थ्रू जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं सैलरी ज़्यादा मिलती है और इसका जो इवोल्यूशन है, एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग जो होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गई सारी बातें। आखिरी डेट देखिए 26/8/2024 है। यू हैव अ सफिशियंट टाइम टू अप्लाई, आपके पास काफी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है ताकि जल्दी से जल्द जो है आपका आवेदन पहुंच जाए। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो, देखिए आर्मी स्कूल की भर्ती अब जो है पूरे भारत में आने वाली है और हर स्कूलों में अब जो है रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें, तो जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूटमेंट है उसकी सूचना मैं आपको दे पाऊँ। अब यहाँ से देख लीजिए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर 12.1K जो है फैमिली में जो है लोग जुड़ चुके हैं, 12,100 लोग लगभग जो है टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके। जो एग्जामिनेशन के पीडीएफ है या फिर कोई सूचना आती है तो सबसे पहले आपको वहाँ से टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ और देखिए पीडीएफ में जो बातें लिखी गई है वो मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही दिखा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है वो आप देख लो। पीजीटी में फिजिक्स की रिक्रूटमेंट है, टीजीटी में संस्कृत और हिंदी की रिक्रूटमेंट है, पीआरटी में सभी टीचर की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी ऑल सब्जेक्ट। पीआरटी में फिर से देखिए फिजिकल एजुकेशन को अलग से इन्होंने मार्क कर रखा है। अब देखिए इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क की भी रिक्रूटमेंट है और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए फाउंडेशनल विंग में जो है इसके लिए भी अलग से वैकेंसी है। प्री प्राइमरी में प्री पीआरटी टीचर के लिए एक एक्टिविटी टीचर की रिक्रूटमेंट है और एक पीआरटी टीचर की रिक्रूटमेंट है। अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट है और लोअर डिवीजन क्लर्क की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। यहां पे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा इनको, यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए सबसे पहली बात है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो, बीएड में 50% होना जरूरी है, ठीक है, और टीजीटी में भी 50% होना जरूरी है, साथ में बीएड में भी। लेकिन टीजीटी वाला में एक कैच है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता है तो अगर आपने पीजी कर रखा है वहाँ पर 50% ले आते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। पीआरटी के लिए देखिए अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड भी कर रखा है तो भी ये कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा आर्मी स्कूल में बीएड वाले भी जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पीआरटी के लिए देखिए पेट यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर में अगर आपने बीपीएड, सीपीएड जो भी कर रखा है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्री पीआरटी टीचर की भी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली एक कैच यहाँ पे ये है ना कि ये 250 रुपये जो है चार्ज कर रहे हैं। पहले ये 100 रुपये चार्ज किया करते थे, 200 रुपये चार्ज किया करते थे कि आपको अगर इंटरव्यू वगैरह देना है तो ये 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बट दिस इज रेजिंग वेरी हाई। बट क्या कर सकते हैं अब जो है सो है 250 रुपये आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि ये ले लेंगे एक बार तो आपको वापस नहीं करेंगे। तो आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़, पेबल एट पानागढ़ आपको जो है ये कर लेना है, डिमांड ड्राफ्ट फटाफट जाकर आज ही बनवा लीजिए तभी आप आवेदन कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरव्यू विल बी, देखो ये जो है इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन ईमेल पे, टेलीफोन कॉल पे आपको दे देंगे, ठीक है। 26/6/2024 जो है एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, उसके बाद ये प्रोबेबली जो है इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिनको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको, वेट ए मिनट, देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा और बाय द वे AWES की वेबसाइट पे भी आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप APS पानागढ़ के भी वेबसाइट पे जाकर इसे देख सकते हो। वेस्ट बंगाल से ये रिक्रूटमेंट आई है। मोबाइल नंबर लिख लीजिए 0343251321। एक्चुअली मोबाइल नहीं, ये लैंडलाइन नंबर है, इन पे कॉल करके आप जो है पूछ सकते हो कोई भी सवाल हो इनसे। तो स्कूल आवर में यानी कि मंडे टू सैटरडे अगर आपका जो टाइम बनता है स्कूल का, उस समय आप कॉल करके इनसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट है वो आप इनसे स्कूल आवर में ही पूछ सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे AWS जो वेबसाइट है मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये था आर्मी पॉलिटेक्निक स्कूल की रिक्रूटमेंट। आगे और भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना आपको समय रहते दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।